बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लखनवी कुजीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग गोश्त। मूंग गोश्त के लिए मैंने ये हाफ के जी मटन लिया है, जिसको मैंने धो के वॉश करके अच्छे से रख लिया है। और जब मैं खड़े मूंग बनाने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मूंग तो लगेंगे ही। ये है एक कटोरी यानी 200 ग्राम खड़े मूंग, जिसको मैंने साफ करके धो के इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है। जितनी देर में हमारा मीट गलेगा उतनी देर में ये भीग जाएंगे। और उसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये एक प्याज को मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। ये मेरे कुछ स्पाइसेस हैं, जैसे 1.5 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर है, और ये जो है स्वाद अनुसार नमक है। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं, जैसे ये सोया, जो सोया मेथी के साथ होता है, इस सोए को मैंने जो है सर्दियों में सुखा के रख लिया था, ये वो है। ये है एक कटोरी काजू और नारियल का पेस्ट, ये एक कटोरी नॉर्मल दूध है, और ये एक कटोरी भर के मलाई है जो हमारे दूध के ऊपर आ जाती है, ये मैंने उतार के रख ली है, ये मलाई है। और मूंग गोश्त के साथ में एक बघारे में राइस बनते हैं, बघारे चावल जिसे बोलते हैं, उसके लिए मैंने एक कटोरी चावल को भिगो के रख दिया है। ये पुलाव वाला चावल है, ये ऊपर से डालने के लिए थोड़ा सा गर्म मसाला है। इसमें थोड़े से जो है गरम मसाले भी जाएंगे। ये 1/2 जो है इंच का जो है टुकड़ा जो है उसका है दालचीनी का, 3 से 4 छोटी इलायची है, और 2-4 लौंगे हैं। अब इसमें इस तेल को मैंने गैस खोल दी, इसमें मैं जो है अनियन डालूंगी थोड़ी, और थोड़ी जो है मैं बचा लूंगी बाद में, जो है मैं मूंग को भगाने के लिए उसमें यूज करूंगी, तड़का देने में। ये प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें तेज़पत्ते के दोनों पत्ते डाल देंगे, इसमें तेज़पत्ता ली। ये हमारी प्याज हो गई है, अब हम इसमें जो है ये 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। अब ये जो मेरा मटन रखा है 1/2 किलो, ये मैं इसमें मटन डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, जब इसका थोड़ा सा पानी सूख हो जाए तब इसे मसाले डालेंगे। अब इसका पानी सूख हो गया, अब ये जो अदरक लहसुन है ये इसमें अदरक लहसुन हम डालेंगे। अब इसमें जो स्पाइसेस थे ये स्पाइसेस हम डालेंगे। और ये थोड़ा पानी, जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है उसी को कटोरी को वॉश करके डाल देंगे इसमें, ताकि वेस्ट ना हो। अब इसमें हमने पानी डाल दिया, आप अपने हिसाब से जितनी देर में आपका जो है मटन गले उतना पानी डाल दीजिए। पानी डाल के हम इसके डीड लगा देंगे, और इसको जो है 1 सीटी देंगे तेज़ आंच में, और उसके बाद हम इसको जो है सिम करके 10 मिनट तक गलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मटन गल गया होगा, हाँ मटन तो मेरा बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसको भून लेते हैं।
गोश्त लगभग मेरा भुन गया है। अब इसके जितने पीसेस हैं उसको हम एक बोल में ऐसे निकाल के इसको रख देंगे। देखिए मेरा गोश्त भुन गया अच्छे से। अब ये सारे पीसेस हैं, गैस बंद कर देंगे लगभग, ये सारे पीसेस निकाल लेंगे। अब ये सारा मटन जो था ये मैंने सब निकाल लिया। अब हम इसी मसाले में अपने जो मूंग भिगोए रखे हैं उसको डालते हैं। ये जो हमारे मूंग भीगे रखे हैं सारे मूंग को इसमें डाल देंगे। और इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे, मूंग पानी ज़्यादा पीते हैं। अगर कम पानी डालेंगे तो मूंग ऐड से जाएंगे, वो अच्छे से घुटेंगे नहीं। इसमें हम ये दो प्याले भर के पानी डालते हैं। इसमें मैं थोड़ा पानी कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसमें थोड़ा नमक इसमें भी डालेंगे। इसमें ये जो मैंने दालचीनी के टुकड़े, ये दालचीनी के टुकड़े, ये एक बड़ी इलायची, ये चार लौंगे और ये चार छोटी इलायची इसमें डालेंगे। फिर ये इसकी लिड लगा देंगे। इसमें एक सीटी आ जाएगी तो फिर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलने के रख देंगे। अब जब तक हम मेरा जो है मूंग गल रहे हैं, जब तक हम दूसरे पैन में बघरे हुए चावल बनाते हैं, उसके लिए हम 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। आप चाहे देसी घी डालिए या रिफाइंड ऑयल डालिए। ये मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें 2 छोटी इलायची डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे। जब ये हो जाएगी तो इसमें जो मेरे चावल भीगे रखे हैं उसको हम डालेंगे। अब ये इलायची हो गई है, अब हम इसमें ये भीगे हुए चावल डालते हैं। इसका पानी रोक लेंगे, खाली राइस डालेंगे ताकि इस चावल को थोड़ा सा घी में हम भून लें। चावल को थोड़ा सा इसी घी में भून लेंगे तो ये चावल ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये चावल मेरे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें जो है गलने भर का पानी डाल देंगे। और ज़रा सा नमक भी भून, थोड़ा सा नमक डाल दी टेस्ट अकॉर्डिंग, और बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। अब मेरे चावल में अच्छे से उबाल आ चुका है। इसमें और इसका पानी थोड़ा कम हो जाए तो इसमें हम दूध में मिला के थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। अगर आपका दिल चाहे तो दूध में थोड़ी सी ज़ैफ़रान मिला के डाल सकते हैं। मेरे पास ज़ैफ़रान नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे। ये अच्छे से चावल मेरे हो गए हैं लगभग, इसको हम सिम कर देंगे। सिम करके ये फूड कलर डाल देते हैं। और इसकी ये लीड लगा के इसको दम पे रख देते हैं कि जब तक मेरे चावल दम खा रहे हैं इधर मेरे मुंह गल रहे हैं। जब ये गल जाते हैं तो आगे हम करते हैं फिर इसकी रेसिपी। अब हमारे मुंह गए हैं, ये देखिए गल चुके हैं एकदम एकदम अच्छे से, सबको मूंग गल गए। अब हम इनको जो है ये तेज़ पत्ता निकाल के हटा देंगे इसमें से।
और इसको घोट लेंगे। जितना अच्छा इसको घोटेंगे ये उतने ही टेस्टी बनेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से घोट लीजिए। अब ये मेरे मूंग जो है अच्छे से घुट गए हैं, अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। ये जो हमने गोश्त गला के रखा था मसाले में, ये वो गोश्त है, इसको डाल देंगे। इस प्याले को वॉश करके इसका पानी भी डाल देंगे। ये जो मेरी मलाई रखी है, ये मलाई है, इसको हम इसमें पूरा डाल देंगे। ये एक कटोरी दूध इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने काजू और जो है नारियल का पेस्ट बना कर रखा था, इसको पूरा डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो मेरा सोया रखा हुआ है इसको भी डाल देंगे। ये सारी कटोरियां वॉश कर करके डाल देंगे ताकि कोई भी चीज जाया ना जाए। ये भी बहुत गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा पानी और पड़ेगा। अब इसमें थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। और ये मेरा गरम मसाला घर का पिसा हुआ है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसका जो है बॉयल आने तक इसका इंतज़ार देखेंगे। जब ये बॉयल आ जाएगा तो इसके बाद इसमें हम केवड़ा वाटर डालेंगे। जब तक ये मेरी मूंग बॉयल हो रही है इधर मैं अपने राइस देख लेती हूँ। वाओ, ये मेरे राइस भी एकदम रेडी हो गए, एकदम तैयार हो गए। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे और इसके लिए जो है कवर कर देंगे। इसमें अच्छे से जो है बॉयल आ गए, अब इसको साइड कर देते और इधर छोटी सी अपनी कढ़ाई तड़के के लिए रखते। पैन में हमने जो सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें आप थोड़ी प्याज डालेंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जब ये प्याज हो जाएगी लाल तब हम इसमें डाल देंगे मूंग में अपने।
और प्याज का कलर खूब अच्छा हो गया। अब हम इसको जो है इसमें डाल देते हैं अपने मूंग के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मूंग रेडी हो गए हैं। अब हम इस बोल में इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मेरे मूंग कितने अच्छे रेडी हो गए, बहुत ही टेस्टी है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। जिसमें खुशबू के मसाले इलायची अच्छे से पड़ा है। एक बार फिर मैं बता दूं, इसमें मलाई और जो है नारियल और काजू का पेस्ट अगर आपको दिल चाहे तो डालिए, दिल चाहे ना डालिए तब भी अच्छा बनता है। लेकिन इसको डालने से ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि मूंग हमेशा रिच ही होते हैं। बहुत ही लाजवाब बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे बघरे राइस भी कितने अच्छे बन गए। एकदम खिले खिले। ये देखिए ये हमारे राइस कितने अच्छे तैयार हुए हैं। इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप रोटी के साथ और राइस का किसी के भी साथ खा सकते हैं। मूंग राइस का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये देखिए माशाल्लाह तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।